हेलो एवरी वन सो स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेक्शन बी ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एज यू नो इन द लास्ट लेक्चर वी सॉल्व द सेक्शन ए सेक्शन ए को हम सॉल्व कर चुके हैं इफ़ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन आपको याद हो तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए लिए हैं आपको ये सब याद भी कर लेना है सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द सेक्शन बी सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट पूछा जाता है उसके तीन ऑप्शन दिए जाते हैं करेक्ट आप ऑप्शन के आगे, आगे आपको टिक मार्क लगाना है अब फर्स्ट है अ सीड ग्रोज इन टू बिग सीड किस में ग्रो होगा ऑब्वियसली प्लांट में होगा पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि सीड प्लांट में ग्रो हो सकता है तो ये फ्लावर और लीफ में से कुछ नहीं आएगा प्लांट ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज फील थ्रू अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट फील और रिएक्ट करते हैं तो इसका पहला ऑप्शन है सेंस ऑर्गन अब है सेंस ऑर्गन्स ह्यूमंस के पास होते हैं तो ह्यूमंस है फाइव सेंस ऑर्गन दैट इज़ आई ईयर टंग िन इन एंड नोज ये फाइव सेंस ऑर्गन ह्यूम के पास होते हैं नेक्स्ट है एंटीना तो एंटीना कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज के पास होते हैं इंसेक्ट्स के पास होते हैं ताकि वो वो फील कर सके दे विल फील द चेंज अराउंड दैम और तो इसका और करेक्ट होगा एंटीना एयर होल्स होते हैं कॉकरोचेस के पास भी होते हैं ग्रास होपर्स के पास भी होते हैं मॉस्किटोज आल्सो हैव दैट बट एयर होल्स किसके काम आते हैं ब्रीथिंग के काम आते हैं ना कि कोई भी चेंज हमारे अराउंड चल रहा है उसके काम उसको फील करने के काम नहीं आते हैं तो एयर होल्स ब्रीथिंग के काम आते हैं ठीक है नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अभी इसमें शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट बोला है तो वेरी शॉर्ट यानी कि वन वर्ड में टू वर्ड में इसका आंसर आ जाना चाहिए तो वॉट फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट द फॉलोइंग विल ग्रो इन टू तो यहाँ पे पूछा अ किटन किटन किस में ग्रो होगी ऑब्वियसली किटन कैट में ग्रो होगी क्योंकि किटन बेबी है कैट का तो यहाँ पे आ जाएगा कैट ठीक है फिर अ बेबी बॉय अ बेबी बॉय है वो किस में ग्रो होगा ऑब्वियसली अ मैन मैन में ग्रो होगा अब बेबी गर्ल होती तो अ वो ठीक है तो यहाँ पे कैट आ गया और यहाँ पे आ गया अ मैन फिर नेक्स्ट uh, है नेम टू एनी एनिमल्स एनी टू एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस अब दो एनिमल्स का नाम बताना है जो यंग वन को बर्थ देते हो एक तो यहीं से लिख दो कैट कैट हो गया काव हो गया डॉग हो गया हैन हो गया तो ये सारे कैट काव डॉग हैन ये सब यंग वन को बर्थ देते हैं इसमें ह्यूमन नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स पूछा है ठीक है तो ह्यूमन्स भी यंग वन को बर्थ देते देते हैं बट जो इसमें एनिमल्स पूछा है तो एनिमल्स का नेम लिखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब कि इसमें आपको टू लाइन और वन लाइन और मैक्सिमम थ्री लाइन में आपको इसका आंसर दे देना है दैट इज़ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन्स एंड मोस्ट एनिमल्स एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड दैम इसका मतलब है कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं तो उनके अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको वो फील कैसे कर सकते हैं कैसे आभास कर सकते हैं जो उनके अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो ये हमें मालूम है इस ये इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं एंड लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील चेंजेस अराउंड दैम तो सेंस ऑर्गन के थ्रू वो फील कर पाएंगे चेंजेस ठीक है तो इसका अगर आंसर आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड दैम विद द हेल्प ऑफ द सेंस ऑर्गन्स ठीक है सिर्फ सेंस ऑर्गन्स इसका आंसर है फिर है वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव क्यों करते हैं ऑब्वियसली उनको फूड चाहिए फूड की ज़रूरत कंप्लीट करने के लिए वो अपना आ, वो अपने फूड की नीड कंप्लीट करने के लिए उस वजह से भी एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे नेक्स्ट होगा शेल्टर यानी कि रहने की जगह ढूंढने के लिए भी एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे और कुछ एनिमल्स अपने एनिमीज़ यानी कि जो उनके दो दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए भी वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो इसका आंसर होगा कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फ़ूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देअर एनिमीज ठीक है ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन प्लक्स फ्लावर एंड पुट्स दैम इन अज इन हीज रूम डेली हिज फादर फादर टेल्स ही नॉट टू प्लग फ्लावर एज दे आर आल्सो लिविंग थिंग्स एंड लुक ब्यूटिफुल इन द गार्डन ओनली तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रोहन है वो हमेशा एक फ्लावर तोड़ता था ताकि वो जो अपने रूम में एक पॉट है वेस है उसमें रख सके तो उसके फादर ने उसे एडवाइस किया कि डेली ये फ्लावर को आपको तोड़ना नहीं चाहिए वो भी लिविंग थिंग्स है दे आल्सो हैव लाइफ तो उनको वो हमेशा ब्यूटीफुल गार्डन में ही लगते हैं तो इस पर फर्स्ट है वाई आर प्लांट्स कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग्स प्लांट्स कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग क्यों किए जाते हैं प्लांट्स लिविंग थिंग कैसे हैं उसका आंसर आएगा कि प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग्स बिकॉज दे शो द कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की वो प्लांट्स दिखाते हैं दैट्स वाई दे आर द लिविंग थिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स uh, क्या थी लिविंग थिंग्स की दैट इज़ दे ग्रो फर्स्ट है दैट इज़ द ग्रो नेक्स्ट है नीड फूड एंड वाटर फील एंड रिएक्ट ब्रीथ एंड शो मूवमेंट एंड रिप्रोड्यूस तो ये फाइव कैरेक्टर सेवन कैरेक्ट्रिस्टिक्स थी ये लिविंग थिंग्स की तो वही प्लांट्स uh, शो करते हैं दैट्स वाई दे आर लिविंग थिंग्स नेक्स्ट है कि इज इट गुड टू प्लग फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स वाई और वाई नॉट यानी कि ये अच्छा है कि आप जो फ्लावर्स है प्लांट में से वो तोड़ लेते हैं वो अच्छी बात है या नहीं है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है अगर है तो क्यों है वो भी आपको बताना है इसमें रीज़न देना है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड थिंग ये अच्छी बात नहीं होती है प्लांट्स फ्लावर्स को तोड़ना और प्लांट्स को तोड़ना भी तो पहली बात है इसका आंसर लिखेंगे हम लोग इट इज़ नॉट गुड टू प्लग फ्लावर्स फ्राम प्लांट्स बिकॉज प्लान आर लिविंग थिंग्स एंड दे आल्सो फील पेन ठीक है वो लिविंग थिंग्स है और उनको भी दर्द होता है इसलिए हमें ये फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम रूट एंड लीव्स प्लांट्स सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टैम रूट्स एंड लीव्स उनके थ्रू भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपने देखा है कि कुछ प्लांट्स जैसे कि रोज़ प्लांट होता है वो उसके स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है उसका तो कर स्टेम बोया जाता है और देन वो बिग प्लांट में डेवलप होता है कुछ प्ला आ, कुछ होते हैं जो रूट्स के थ्रू डेवलप होते हैं और कुछ स्टेम्स के थ्रू डेवलप होते हैं नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब है इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे हैं तो इसका आंसर आपको थोड़ा टू टू थ्री लाइन्स में या फोर लाइन्स में देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज लाइफ स्पेन लाइफ स्पेन क्या होती है एंड वॉट इज द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूम ह्यूमन्स की लाइफ स्पेन क्या हो कितनी होती है अब ये देखिए एवरी लिविंग थिंग्स हैज़ अ डेफिनेट पीरियड ऑफ अ लाइफ देन इट डाइज दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पेन यानी कि हर ह्यूमन के पास एक डेफिनेट पीरियड होता है लाइफ uh, का और फिर उसके बाद वो मर जाते हैं तो इसे बोलते हैं लाइफ स्पेन ह्यूमन बींग्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी ईयर्स ह्यूमन्स के पास सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी ईयर्स की लाइफ स्पेन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट थ्री क्वालिटीज दैट मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि तीन क्वालिटीज लिखनी है आपको जो लिविंग थिंग को डिफरेंट बनाती है नॉन लिविंग थिंग्स से तो वो थ्री क्वालिटीज क्या होंगी फर्स्ट जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी थ्री क्वालिटीज होंगी कि लिविंग थिंग्स ग्रो लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वॉटर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की वही आप उनकी क्वालिटीज़ में लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की लिविंग थिंग्स से अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिएक्ट नॉन लिविंग थिंग्स डो नॉट नीड फूड एंड वॉटर तो ये हो गया थ्री क्वालिटीज ठीक है तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है लेसन लेसन फर्स्ट जिसकी एक्सरसाइज भी हमने सेक्शन ए, ए एंड सेक्शन बी दोनों ही सॉल्व कर ली है नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेसन टू स्टार्ट करेंगे थैंक यू